सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर और आपका होस्ट गिरीश। तीसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मैं। और आज मैं आपको 3DS जो हमारा मैक्स है, 3D Max जो है हमारा सॉफ्टवेयर, उसमें आगे हमने थोड़ा बहुत नेविगेशन के बारे में देखा और थोड़ा बहुत हमने व्यू को कैसे ऑपरेट करते हैं उसके बारे में मैंने सिखाया था। आज थोड़ा इन डेप्थ में देखेंगे और इसमें मैं आज आपको नेक्स्ट 3DS Max में आपको कैसे व्यू के शॉर्टकट कौन कौन से हैं और उस शॉर्टकट का यूज़ करके कैसे हम व्यू को शॉर्टकट का यूज़ करके मूव कर सकते हैं, कैसे हम व्यू को शॉर्टकट का यूज़ करके रोटेट कर सकते हैं और कैसे हम व्यू को शॉर्टकट का यूज़ करके पेन कर सकते हैं, यानी कि जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हमने यहाँ पे पूरा ये नेविगेशन बार जो है उसको हमने देखा था, जिसमें हम मैन्युअली हम विदाउट कीबोर्ड का यूज़ किए बगैर हमें किसी भी व्यू को जूम इन करना है, जूम आउट करना है। तो आज के सेशन में मैं आपको शॉर्टकट का यूज़ करके कैसे हम इस पैनल का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको इसके शॉर्टकट आते हो तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है आपको ऑल्टर डब्ल्यू प्रेस करना है, यानी मैक्सिमाइज़ अगर किसी व्यू को करना है। जैसे मैं अभी टॉप व्यू में काम कर रहा हूँ और इस टॉप व्यू को मुझे बड़ा करना है तो सिंपल मैं ऑल्टर डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो मेरा जो भी एक्टिव व्यू है वो जूम हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, यानी मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऐसे आप सभी व्यू पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी व्यू से मुझे, जैसे अभी मुझे ये फ्रंट व्यू है मेरा और मैंने इसको ऑल्टर डब्ल्यू प्रेस कर दिया, अब मुझे इस व्यू को फिर ऑल्टर प्रेस करूँगा, वापस जाऊँगा, फिर टॉप व्यू में बड़ा करूँगा, तो इस तरह से पूरा लंबा प्रोसेस नहीं करना है, सिंपल छोटे से तरीके में करना है। तो इसके शॉर्टकट है, जैसे हमें यहाँ पे अभी लेफ़्ट व्यू चाहिए तो आप L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी लेफ़्ट व्यू एक्टिवेट हो गया है। जैसे मुझे अभी करना है फ्रंट व्यू तो मैं F प्रेस करूँगा और जैसे मुझे अभी लाना है टॉप व्यू तो मैं T प्रेस करूँगा। तो आप किसी भी व्यू को इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, T फॉर टॉप व्यू, B फॉर बॉटम व्यू, L फॉर लेफ़्ट व्यू, R फॉर राइट व्यू। जैसे मुझे राइट व्यू में जाना है, टॉप व्यू में जाना है, फ्रंट व्यू में जाना है, बॉटम व्यू में जाना है, और आप यहां से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट, बॉटम, टॉप, ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव व्यू। अब जैसे पर्सपेक्टिव पूरा टॉप में आ रहा है, अब मुझे इसको माउस के थ्रू इसको रोटेट करना है तो सिंपल आपको ऑल्टर प्रेस करना है, ऑल्टर प्रेस करके आपको ड्रैग करना है मिडल क्लिक, यानी कि जो हमारा स्क्रोल बार है, स्क्रोल यानी कि जो माउस की बीच मिडल क्लिक यानी माउस में जो बीच में स्क्रोल आता है सर्कल्स, ऑल्टर प्रेस कीजिए। ऑल्टर प्रेस करने के बाद मिडल क्लिक जो है इसको प्रेस करना है और क्लिक एंड ड्रैग करना है। आप लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे तो राइट साइड होगा, राइट साइड प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड होगा। जैसे अब मान ले मुझे जूम इन जूम आउट करना है तो भी आप कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने ऑल्टर प्रेस किया और यहाँ से स्क्रोल जो है हमारा मिडल क्लिक उसको आपको स्क्रोलिंग करना है तो जूम इन जूम आउट होगा। ये मेरा जूम इन जूम आउट हुआ और ये मेरा मूव हो गया, रोटेट हो गया और ये मेरा मूव हो रहा है। सिंपल आप ऑल्टर छोड़ दीजिए और मिडल क्लिक को आप प्रेस करेंगे तो आपका हैंड टूल है वो आ जाएगा, उससे आप इसको मूव कर सकते हैं। सिंपल आप ऑल्टर प्रेस कीजिए और क्लिक एंड ड्रैग कीजिए तो आप इस पूरे व्यू को रोटेट कर सकते हैं, और जूम इन जूम आउट करना है तो डायरेक्टली आप मिडल क्लिक को स्क्रोल कीजिए। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने बना दिए, कैसे रोटेट करते हैं, कैसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और कैसे मूव करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने पूरा ये पैनल देखा था, इस वीडियो में हम इसको कैसे शॉर्टकट का यूज़ करके हम पूरे व्यू को रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट कर सकते हैं, कैसे हम व्यू के साथ साथ ऑब्जेक्ट और व्यू दोनों को मूव, रोटेट, स्केल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।